हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक इतना बढ़िया एप्लीकेशन लेके आया हूँ कि आपके पास विदाउट सैलरी स्लिप कोई भी डॉक्यूमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली आधार कार्ड और पैन कार्ड। इस पर आप लोन ले सकते हैं 500 से लेकर 2 लाख तक, ठीक है। और आपको कोई इनकम प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं चलो सीधे लेके चलता हूँ आपको प्ले स्टोर पर, ठीक है। यहाँ पे प्ले स्टोर में आप जाइए, क्रेडिट भी लिखिए, ठीक है। ये क्रेडिट भी लोन अपने लोन ऐप, ठीक है, ये आपको ओके करना है। मैं तो पहले से डाउनलोड करके रखा हूँ, तो मैं सीधे चल इसको मैं ओपन करता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, आप देख सकते हैं। ये ऊपर जो है पर्सनल लोन सैलरीड, ये जो आप सैलरी वाले होते हैं ना, जिनकी सैलरी होती है महीने में, वो सैलरी स्लिप वालों के लिए, ठीक है। ये देखिए आप 50 हज़ार हैं, ये फ्लेक्सी लोन है, पर्सनल लोन। ये आप डायरेक्ट अपने अकाउंट में 1 मिनट के अंदर ले सकते हैं, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आप ले सकते हैं। और ये 2 लाख का भी आप ले सकते हैं। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। चलिए पहले इसको हम सबसे पहले इसको लॉग इन करते हैं नंबर से। अब आपको यहाँ पे नंबर डालना है, ठीक है। नंबर डाल के इसको सीधे ओटीपी पे सेंड करते हैं, कंटिन्यू करेंगे तो ये ओटीपी आएगा। तो अभी ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट कर देगा आपको क्रेडिट बी में। ये सीधा ओटीपी ले लिया है, इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लोन ले रखा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा ये 28 दिसंबर को 1861 यानी 1861 रुपये मुझे पे करना है, ठीक है। कितने तारीख को? दिसंबर को, 28 दिसंबर को। और दूसरा है मेरा यहाँ पे, आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं आप, ये ठीक है, ये यहाँ पे हो गया मेरा 28 दिसंबर। और दूसरा है यहाँ पे मेरा 28 जनवरी, तीसरा है 28 फरवरी, चौथा है 28 मार्च, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं पहले से लोन ले रखा हूँ, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आप भी ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। और लेना कैसे है आप लोग तो समझ गए होंगे, जब आप फर्स्ट में इसको ओपन करेंगे तो वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो आपके पैन कार्ड में और आधार कार्ड में होगा वही आपको डालना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए ये 7 हज़ार का लोन मैं ले चुका हूँ, ठीक है। और एक लोन और है, ये 4 मंथ का होता है, तीसरा वाला ये 3 मंथ का होता है ना, 7 हज़ार का, ये आपका होता है। देखिए आप लॉक है, अगर लॉक खुल गया है, देखिए यहाँ पे मेरा लॉक खुला हुआ है 1 लाख का, मैं अभी 1 लाख का लोन ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे इतने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। देखिए मेरा यहाँ पे खुला हुआ है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए मैं आपने टिक मार भी लगा दिया, यहाँ पे लॉक खुला हुआ, आप अच्छे से देख सकते हैं, मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब आपको बैक आना है, और ये भी मैं इसको लिया हूँ 7 हज़ार का। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बोल रहा है रीपे, आप रीपे करेंगे तब आपको दूसरा लोन मिलेगा। तो आप इसको कैसे इनक्रीज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे जाना है ये अकाउंट पे, ठीक है, यहाँ पे अकाउंट पे आपको जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट पे जाने के बाद मैं आपको ये डिस्काउंट क्रेडिट, एक क्रेडिट हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपको ओके करना है। जब आप यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल्स, ये यहाँ पे, ठीक है, ये बेसिक डिटेल्स हो गया यहाँ, ठीक है। और एक ये हो गया कि इनकम वेरिफिकेशन, तो इनकम ये है कि आपकी क्या कितना आप यानी बैंक में पैसे डालते हैं, कितना लेन देन करते हैं,
तो वहाँ पे ये इसको वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। और ये डेबिट कार्ड, आप अगर डेबिट कार्ड से इसको वो करेंगे यानी यहाँ पे एक्टिवेट ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा लोन, ठीक है। यानी आपको 50,000, 30,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख तक यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हो गया, आप दे सकते हैं कैश इंस्टेंट। ये वेरिफिकेशन है कि ये है कि आप यहाँ पे गाड़ी आपके नाम है तो आप गाड़ी के नंबर और यहाँ पे आप डाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन, ये और जैसे आप मतलब कोई वकील हैं या कुछ भी है, ये उस तरीके से। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिजनेस, ये बिजनेस वालों के लिए है। यानी जो बिजनेस डिटेल्स, जो आप जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ का कोई कार्ड होगा या कोई डिटेल्स होगी, ये आपको वहाँ पे भरना है। चलो आपको बताता हूँ कि बेसिक डिटेल में क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं ये मोबाइल नंबर आप वेरीफाई कर सकते हैं, या तो आप वार को जो ईमेल होता है ना वेरीफाई करने के लिए, जो जीमेल होता है और ऑफिशियल, वो आप यहाँ पे डाल के वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। और यहाँ पे इनकम वेरिफिकेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा इनकम वेरिफिकेशन कंप्लीट है, यहाँ पे मैं कंप्लीट कर रखा हूँ, ठीक है। इसी मैं ऐसे किया हूँ कि आप लोग को दिखाने के लिए, सैलरी स्लिप डाला था तो मेरी सैलरी कोई स्लिप नहीं है, तो कोई सैलरी वालों के लिए होता है, इसलिए मेरा ये रिजेक्ट कर दिया है। और उसके बाद में यहाँ पे आप डेबिट कार्ड, यहाँ पे मेरा रिजेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे वायलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना गाड़ी का नंबर या जो आपका होता है ना जो कागज़ होता है तो उसका कोई कोई नंबर होता है ना उसमें गाड़ी का, वो डाल सकते हैं, या तो गाड़ी का नंबर डाल के इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा, मैं आपको बता दूं कि आपका इनकम जो होगा ना वो इंक्रीज हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब यहाँ पे बोल रहा कंटिन्यू सेलेक्ट करने के लिए, मैं मुझे कोई ज़रूरी नहीं इसको, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, मुझे कोई इससे वो नहीं है। और मैं सिर्फ आप लोग को बताने के लिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं गेस्ट नंबर, गेस्ट नंबर आपको जानते हैं क्या होता है। आप जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे कोई एक आईडी बनता है ना, तो उसमें एक नंबर मिलता है गेस्ट, वो नंबर जैसे अपना आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पैन कार्ड नंबर डालेंगे पूरी डिटेल बाय डाटा आ जाता है, वैसे गेस्ट नंबर होता है वहाँ आप डालेंगे तो पूरा बिजनेस का आपका कितने सालों से कितने दिन से कितना बिजनेस कर रहे हैं उसका वो नंबर होता है, वो नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका, आप यहाँ पे बैक आते हैं, ठीक है। अब बैक आने के बाद में और आपको क्रेडिट स्कोर चेक करना है, तो आप पे आप देख सकते हैं ये है क्रेडिट स्कोर चेक करने का, ठीक है। और यहाँ पे गोल्ड भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे रिफर ले सकते हैं, यहाँ पे किसी को दोस्तों को शेयर करके आप इसमें से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं अपना इंश्योरेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरा 3 लाख का भी लोन खुला है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मेरा यहाँ पे 3 लाख का भी लोन खुला हुआ है, देख सकते हैं, तो लोक इसमें हटा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए 7,000 में लोक लगा है, इस 7,000 में लोक लगा हुआ है, ठीक है। और मुझे सिर्फ अब पे नाउ पे क्लिक करके मुझे पे करना है, तो जब मेरा टाइम आएगा तो मैं इसको पे करूँगा, अभी मैं नहीं करूँगा इसको पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑफ़र भी है, यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे ख़रीदना चाहते हैं अमेजोन से कहीं से भी, तो यहाँ पे देख सकते हैं टिकट बुक कर सकते हैं, तो यहाँ पे यहाँ अच्छा ऑफ़र मिलता है, ठीक है। और अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि अच्छे से एप्लीकेशन बताऊंगा आपको जो RBI से रजिस्टर हैं, आपको कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रॉड, कोई आपका डाटा हैक नहीं, कोई मिस यूज़ नहीं, मैं ये सब कर रहा हूँ इसको, इसलिए मैं ये सब वीडियो बनाया हूँ, मैं ये सब करने के लिए करके मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मैं बहुत देखता हूँ यूट्यूब में बहुत फ्रॉड होता है मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं ये सब बिल्कुल, देखिए मैं आपको और बता देता हूँ कि यहाँ पे और एप्लीकेशन है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका ये लोन फ्रंट, ठीक है। यहाँ से भी मैं लोन ले चुका हूँ, ये रिंग एप्लीकेशन है, यहाँ से भी लोन ले चुका हूँ, ये फ्रंट लोन है एक और, ये भी लाइक यहाँ से लोन ले चुका हूँ। और यहाँ पे देखिए टूर बैलेंस है, यहाँ से भी, यहाँ से क्या होता है आप लोन लेंगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर होगा ना वो आपका बहुत ही यानी धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा, तो आपको कोई भी बैंक आपको अच्छा खासा लोन दे सकती है, ठीक है। तो मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि देखिए
कि आप ये विश्वास नहीं करें, इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसमें कैसे करना है, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैं लोन ले चुका हूँ यहाँ पे, और ये फ्रंट लोन देख सकते हैं आप, यहाँ से भी लोन ले चुका हूँ मैंने, इसको कंप्लीट कर दिया है। देखिए पहले 4,000 का लिया था, फिर 5,000 का लिया था, फिर 7,000 का लिया था, 9,000 का लिया, अभी नहीं लिया 9,000 का, 9,000 का ऑफ़र दे रहा मुझे इंक्रीज़। देखिए यहाँ पे बोलेगा अप्लाई करिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे अप्लाई करने को बोल रहा है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी, ठीक है। और यहाँ पे रिंग एप्लीकेशन है, ठीक है, यहाँ पे भी मैं 10,000 का लोन ले चुका हूँ, इसको मुझे पे करना है अभी। हाँ देख सकते हैं आप कैसे इसमें लेना है, क्या मैं कितना ट्रांजेक्शन कर चुका हूँ आप देख सकते हैं, ठीक है। वी वाल में क्लिक करके आप देख सकते हैं मैंने कितना ट्रांजेक्शन कर चुका है इसमें से लोन लेके पे करके। देखिए इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसमें बताऊंगा। और यहाँ पे फ्रंट लोन है, फ्रंट लोन से भी मैं लोन नहीं लिया हूँ, ठीक है, और मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अभी यहाँ पे 1,500 रुपये का ऑफ़र दिखा रहा है 89 दिन के लिए, और ये 15,000 का ऑफ़र दिखा रहा है, ठीक है, 120 दिन के लिए। तो मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक। आईडी बना के रख दिया हूँ मैं, और दोस्तों जैसा हो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगा। यूट्यूब में बहुत फ्रॉड होता है, लोगों को आधार कार्ड पैन कार्ड लेके डाटा वो करके गंदी संदी वीडियो व्हाट्सएप पे भेज के उनको बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है, इसलिए मुझे भी लगा कि मैं वीडियो बना के डाल दूँ, लोगों को बता दूँ। मैं भी एक कस्टमर ही था, लेकिन मैं मुझे ये सारे RBI एप्लीकेशन है, और मैं क्रेडिट बी के बारे में आपको बता दिया हूँ, और आज इसके बारे में बताने के बाद मैं आपको रिंग पे लेटर के बारे में बताऊंगा, रिंग के बारे में बताऊंगा, लोन फ्रंट के बारे में और फ्रंट लोन के बारे में, टूट बैलेंस के बारे में, और यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मैं वीडियो समाप्त करता हूँ, और आप जैसा मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको फुल जानकारी दूँगा क्या ज़रूरत है क्या नहीं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है ट्विटर का है, आप बात कर सकते हैं मुझसे, कमेंट कर सकते हैं।